मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है हैक होते होते बचा है। ओह माय गॉड, एक्चुअली बचने का जो रीज़न, मुझे थोड़ा इसके बारे में नॉलेज है, ओके, मतलब किस तरीके से जो है लोग हैक करते हैं सामने वाले को, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जो है मैं इससे बचा हूँ, ओके। और उनका क्या, जिनको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि लोग आपको किस तरीके से हैक करते हैं और किस तरीके से जो है बचना है, और जो मैं अभी हैक मतलब होने के चांसेस पर आ गया था, तो मैं किस तरीके से जो है बच के बाहर आ गया। और हमको जो हैक करते हैं ना, वो बिकॉज ऑफ हमारी गलती की वजह से, ओके, वहाँ पर 95% जो है हमारी ही गलती होती है, तब जाके जो है हमारे जो भी डिवाइस है वो हैक हो जाते हैं। ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी आपको हैक करना बहुत बहुत ही मुश्किल काम है, हम कुछ ना कुछ गलत करते हैं तब जाके जो है हमको हैकर वगैरह जो लोग हैं वो हैक करता है, ओके। मैं भी यहाँ पर थोड़ा जल्दीबाजी में था, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शायद मेरा चैनल जो है आज उड़ने वाला था, ओके। सो फाइन, देखिए ये उनको बहुत ज़्यादा काम में आएगा ये वीडियो, जो रिसेंटली यूट्यूब चैनल जो है ग्रो हो रहे हैं, ओके, जिनके 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके 10000 70000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये ज़्यादातर काम में आ जाएगा। देखिए ये जो हैकर्स होते हैं वो नए नए जो चैनल ग्रो होते हैं ना, उनको ही ज़्यादातर टारगेट करते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि हम जो है अभी इस टाइम पर प्रमोट करने के लिए भूखे होते हैं, ओके, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है हमारे चैनल पर हम प्रमोट करने के लिए मतलब बहुत एक्साइटेड रहते हैं, राइट। मैंने मोर देन 160 वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ एक ही जो है मेरा वीडियो जो है वो प्रमोशनल वीडियो है, बाकी सब जो है ऐसा ही नॉर्मल मैंने डाल दिया है, कभी मैंने प्रमोट नहीं किया है। लेकिन मैं अभी थोड़ा इशू के वजह से जो है चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं प्रमोट कर दूँ। मुझे प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मेल्स मुझे आते रहते हैं, ओके, आई विल शो यू दैट, मुझे बहुत सारे अलग अलग मेल्स आते रहते हैं, ये प्रमोट करो वो प्रमोट करो, लेकिन मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। लेकिन मैं अभी थोड़ा प्रॉब्लम में था, तो मैंने सोचा कि मैं प्रमोट कर दूँ। तो मैं आपको पूरा मैं शेयर करता हूँ कि कैसे क्या होगा, इवन मैं आपको स्क्रीन मेरा जो है वो भी शेयर करता हूं, ताकि आप पूरा देख पाओ कैसे प्रोसेस होता है, हैकर्स लोग जो है कैसे हैक करता है। जैसे मैं मेरा स्क्रीन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकंड। हम जो है हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पर, अबाउट सेक्शन पर यहाँ पर जो है हमारी जीमेल आईडी हम देखे रखते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, फॉर एनी बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज मेल मी एट, सो एंड सो, मैंने यहाँ पर मेल दिया हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ से जो है जो हैकर लोग होते हैं वो हमारी मेल आईडी जो है लेते हैं, ओके। मेल आईडी लेने के बाद हमको वो यहाँ पर मेल भेज देते हैं कि बोलते हैं, जैसे एग्जांपल मान लो ये मेरा वॉच है, ओके, ये सो एंड सो कंपनी का है, ये वो जो है प्रमोट करना चाहते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि वो तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर प्रमोट करना चाहते हैं। और आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, जैसे वो वीडियो बनाते रहते हैं, तो बीच में ही जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है प्रमोट करते हैं, उस तरीके से जो है प्रमोट करने के लिए हमको यहाँ पर वो मेल आते हैं बहुत सारे। जैसे मैं इस मेल को ओपन करूँ, यहाँ पर देखो मुझे रिसेंटली मेल आ गया था कि एक सो एंड सो उनका म्यूजिक प्लेयर है, उसको जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं उनको रिप्लाई देता नहीं हूँ, मैं अभी रिसेंटली मैंने इसको रिप्लाई दे दिया था 2 hours बिफोर, ओके, देखो यस आई एम इंटरेस्टेड, इस तरीके से जो है मुझे एक ईमेल आ गया था अक्टूबर में, ओके। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि मुझे थोड़ा इशू था, तो मैंने सोचा कि जो भी मुझे पुराने मेल आ गए हैं उनको मैं रेस्पॉन्स करूँ, ओके। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं यहाँ पर डाउन में ऐसे देखते आ रहा था, तो मैंने इस ईमेल को जो है ऑलरेडी मैंने रीड किया था बहुत टाइम पहले, और देखो अक्टूबर 20 को ये मुझे मेल आ गया था, और मैंने उनको रेस्पॉन्स भी किया था कि यस आई एम इंटरेस्टेड बोल के, और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस से मेल भी भेजा था, लेकिन मैंने इसको भी रीड किया था और मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पर प्रमोट करने के लिए, तो मैंने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया था, ना मैंने कोई लिंक के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया था, ओके। और इन्होंने जो मुझे मेल भेजा है वो एक्चुअली ऑफिशियल लिंक है, ओके। अगर मैं यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, इनके वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे, ओके, ये पूरे जेन्युइन है। लेकिन और यही सेम लिंक जो है मुझे फर्स्ट भी भेजा गया था, ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी इन्होंने मुझे दे दिया था लिंक, ओके। और जब मैंने रेस्पॉन्स किया तो उसके बाद वही लिंक मुझे वापस से भेजा है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में एक एडिशनल लिंक भी मुझे यहाँ पर भेजा गया है, ओके, लिंक टू द आर्काइव डेटा। फाइन, ये जो लिंक है ना ये बहुत खतरनाक है लिंक, ओके। सो मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा रीड करने के बाद एक्चुअली मुझे पहले ही डाउट हो गया था, क्योंकि इन्होंने जो मुझे जिस मेल से भेजा है, मुझे पता है अगर उसी कंपनी का जो कंपनी मुझे प्रमोट करने के लिए प्रमोट करवाना चाहते हैं उस कंपनी का ऑफिशियल मेल होता है। जैसे एग्जांपल मान लो कि सैफ, ओके, मेरे हमारे सैफ नाम से जो है कंपनी है, तो कंपनी का जो जीमेल आईडी है वो इस तरीके से रहेगी, डोमन जीमेल, अगर सेल्स की है तो sales@saif.com, या अगर मार्केटिंग है तो marketing@saif.com, इस तरीके से रहेगा, राइट। लेकिन इन्होंने जो है वो जो एप्लीकेशन था जो वो मेरे चैनल पर प्रमोट करवाना चाहते थे, और उनका ऑफिशियल मेल नहीं था, मुझे यहां पर ही डाउट हो गया था, फिर भी मैंने उनको रेस्पॉन्स करने की मैंने ट्राई की, ओके। जैसे ही मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक किया, ओके, लिंक के ऊपर क्लिक करते ही एक जिप फाइल जो है डाउनलोड हो गई मेरे सिस्टम पर,
और वो जो है ऑटोमेटिकली डोनेट हो गई। बेसिकली ऑटोमेटिकली डोनेट होता नहीं है, ओके, हमको डोनेट करना पड़ता है तब जाके डोनेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर पर डोनेट हो गई। जैसे वो डोनेट हो गई तो मैं चला गया डाउनलोड में, ओके, जिस पीसी के अंदर जाके मैं डाउनलोड्स में चला गया। मैं डाउनलोड्स में यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखा कि वो जिप फाइल अवेलेबल थी, तो मैंने उसको ओपन किया, ओके, जिप फाइल में थी तो ओपन किया, तो मुझे वहाँ पर दो फाइल और मिल गए। एक फाइल थी वीडियो, मतलब एक वीडियो फाइल थी, और एक जो है पीडीएफ फाइल थी, ओके, मतलब लोगों पूरा पीडीएफ ही शो हो रहा था। तो मैंने पहले वीडियो प्ले किया क्योंकि हम डेफिनेटली देखना चाहेंगे, और हैकर का माइंड देखो यार, मतलब वो हमारे माइंड से खेलते हैं, वो उनको पता है कि हम लोग पहले वीडियो देखेंगे कि ये जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, राइट। तो हम मैंने पहले वीडियो प्ले किया, वीडियो में देखा कि वीडियो में एकदम पूरा परफेक्ट है, ओके, मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ यार ये जेन्युइन है, ओके। जब मैंने उस पीडीएफ फाइल के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं जल्दबाजी में था क्योंकि मुझे नेक्स्ट एक वीडियो बनाना था, राइट, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैं यहाँ पर थोड़ा इमीडिएटली काम चीज़ें कर रहा था, तो मैंने क्विकली जो है उस फाइल के ऊपर क्लिक किया, पीडीएफ फाइल के ऊपर। एक्चुअली वो पीडीएफ फाइल थी नहीं, ओके, उसका लोगो पीडीएफ था, मतलब पीडीएफ जैसे शो हो रहा था, लेकिन जब हम एक्सटेंशन देखते हैं ना, जैसे डॉट पीडीएफ, डॉट पीएनजी, लाइक डॉट डॉक, मतलब उसका एक्सटेंशन देखते ही हमको समझ में आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन देखा नहीं, डायरेक्टली उसको मैंने ओपन किया। जैसे ही ओपन किया, अगर वो पीडीएफ फाइल होती तो 2-3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाती, राइट, मेरे अंदर एक्चुअली पीडीएफ रीडर है तो डेफिनेटली ओपन हो जाती, लेकिन वो फाइल ओपन नहीं हो रही थी, मतलब लेट ले रही थी बिकॉज ऑफ मेरा डेटा जो है उनको पहुँच जाए, जो भी हैकर्स हैं, मतलब मुझे और थोड़ा डिले होते ही मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ लोचा है, ओके। तो मैंने सही से देखा कि एक्सटेंशन, साला एक्सटेंशन है ही नहीं वो पीडीएफ फाइल, वो पीडीएफ फाइल जो है एक आईपी एड्रेस से थी, ओके, एक आईपी एड्रेस के एक्सटेंशन से थी, और जो हैकर्स है वो हैक करते ज़्यादातर आईपी एड्रेस ही, और आईपी एड्रेस बेसिकली हमारे कंप्यूटर का ऐसा एड्रेस होता है, जैसे मान लो कि हमारे घर का एड्रेस है ना, वैसे हमारे कंप्यूटर का वो एड्रेस होता है, जैसे वो ऐसे रहता है 192.168.1.1, इस तरीके से वो आईपी एड्रेस रहता है, उनका आईपी एड्रेस कुछ ऐसा था, 176 ऐसा कुछ आईपी एड्रेस था, ओके। मुझे आईपी एड्रेस देखते ही फ्लैश हो गया, साला कुछ ना कुछ है। तो मैंने इमीडिएटली जो नेक्स्ट स्टेप लिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से लोग जो है मतलब वो क्या करते हैं, अभी वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, तो आप अगर जिनको पता नहीं है इसके बारे में तो वो क्या करेंगे, वो दूसरा कोई भी मतलब ट्राई करेंगे दूसरी जगह से ओपन करने के लिए, या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसको ओपन करने के लिए, मतलब उसको ओपन करने की ही ट्राई करेंगे, उसको ओपन करना ही है, यही ट्राई करेंगे, राइट। अगर आप उतना टाइम उनको देंगे तो आपका काम हो गया ऑलरेडी, मतलब उनको डायरेक्टली एक्सेस मिल गया, राइट। सो मैंने फर्स्ट क्या किया, स्टेप, वो ओपन नहीं हो रही थी, मुझे पता चल गया है कि ये आईपी एड्रेस से फाइल है, तो मैंने तुरंत फर्स्ट जो मैंने काम किया वो था मेरा इंटरनेट, वो मैंने इंटरनेट जो है डिजेबल किया। इंटरनेट डिजेबल करते ही, और मेरी यहाँ पर फूट किस्मत देखो, मेरा मोबाइल जो है एक्चुअली ऑफ हो गया था, आके चार्जिंग नहीं था मेरे मोबाइल में, 6-7 या 8% था, तो मैंने स्विच ऑफ करके जो है चार्जिंग पर लगाया था, और वो डब्बा मोबाइल है J6 Plus, उसको ऑन होने के लिए बहुत टाइम लेता है। तो मैं उधर से सोच रहा हूँ कि साला मैं अभी, मुझे अभी रिसेट करना है मेरी जो मेन जीमेल आईडी है यूट्यूब की, उसके उसका पासवर्ड मुझे रिसेट करना था, और नेक्स्ट स्टेप होता है रिसेट करना, मतलब चेंज करना पासवर्ड, ओके। तो मेरा मोबाइल मैंने ऑन करने के लिए पकड़ा हूँ, साला ऑन नहीं हो रहा है, ओके। और मेरे पास हमारे ऑफिस का मोबाइल पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे भी ट्राई किया रिसेट करने की, मतलब लॉगिन करने की जीमेल से, तो लॉगिन होने के लिए ओटीपी मांग रहा था, ओके, और वो ओटीपी जो है मेरे मोबाइल में आ रहा था, लेकिन मेरा मोबाइल जो है ऑफ था, और स्टिल वो लोड हो रहा था, बूट हो रहा था, तो कैसे भी करके मेरा मोबाइल जो है वो ऑन हो गया, ओके। ऑन होते ही एक्चुअली मेरा पासवर्ड जो है वहाँ पर भी रिसेट नहीं हो रहा था, बहुत ट्राई करने के बाद भी रिसेट नहीं हो रहा था, ओके। सो फाइनली मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया, और गूगल ने खुद मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा कि कोई आपका पासवर्ड जो है चेंज करने की ट्राई कर रहा है, ओके। एक्चुअली मैं ही उस दूसरे मोबाइल से ट्राई कर रहा था। देखिए यहाँ पर ये और एक मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मतलब जो मुझे बेनिफिट हो गया था, ये जो इन्होंने मेल भेजा था ये बहुत टाइम पहले भेजा था, राइट। अगर मैं इनको तुरंत, मतलब जिस दिन उन्होंने मेल सेंड किया है उस दिन अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता तो शायद उतना टाइम उनको काफ़ी था, मेरा चैनल उड़ जाता, राइट। और मैंने बहुत टाइम बाद जो उनको रेस्पॉन्स किया है, शायद ये भी एक मेरा प्लस पॉइंट है, ओके। सो तुरंत उसके बाद मैंने मेरा जो पासवर्ड है मेरे इसका जीमेल आईडी का, वो मैंने चेंज किया, ओके। और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, देखिए आप कितना भी स्ट्रांग पासवर्ड डालो, अगर आपने गलत किया है, मतलब गलती किया है, उनको एक्सेस दिया है, तो कोई भी पासवर्ड जो उनको रोक नहीं सकता, तुरंत उड़ सकता है, ओके। सो यही था एक्चुअली मेरा बिहाइंड द सीन, मतलब मेरे साथ इस तरीके से हो गया, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, ताकि आप भी नेक्स्ट कोई भी लिंक के ऊपर ओपन करते हो, मतलब लिंक ओपन करते हो तो 100 बार सोचो उसके बारे में। और अगर आप नए यूट्यूबर ग्रो हो रहे हैं तो मेन आपका है, क्योंकि वो लोग साला हम लोगों को ही टारगेट करते हैं, ओके, क्योंकि उनको पता है हम इसमें
भूखे हैं कि साला कोई हम प्रमोट करने के चक्कर पर है, तो वो हमको ही टारगेट करते हैं। सो यही था, आई होप कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई होगी कि किस तरीके से जो है लोग हैक करते हैं। और अगर थोड़ी भी नॉलेज मिली तो लाइक कर देना, और अगर आपके फैमिली फ्रेंड में ऐसे कोई है जो यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं जो ग्रोइंग मूड पर है, तो उनके साथ में भी ये शेयर कर देना, उनको भी ये हेल्प हो सकता है। फाइन, और जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं कमेंट सेक्शन पर जो भी आपके ओपिनियन से मुझे शेयर कर देना, और मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करते रहता हूँ, आप शॉर्ट्स भी मेरे देख सकते हैं। ओके, चलो खैर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।